हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज आप सभी को एक प्यारा सा व्लॉग देने वाला हूं, जो कि रहेगा खेत के बारे में कि हम लोग विलेज में आखिर किस तरह से खेती करते हैं, और आप सभी को वही चीज दिखाएंगे। और ये देखो, ये है आलू का खेती है, ये देखो ये देखो, रुक रुक रुक, यहाँ देखो देखो ये है आलू, ये है आलू का खेती, इसको ऐसे कर देते हैं। और ये है गेहूं, ये है गेहूं, देख लीजिए, तोड़ थाड़ के दिखा देते हैं गेहूं। और दोस्तों, आप सभी को ये तो रही खेत के बाद, आप सभी को जल्द ही मिलेगा एक होम टूर व्लॉग, जो कि आखिर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि विलेज में किस तरीके से खाना वाना पकाता है और विलेज में किस तरीके से लाइफस्टाइल जीता है। तो इसी के बारे में मैं आप सभी को एक होम टूर भी कराऊंगा, जो कि आप सभी को बस करना कुछ नहीं है, बस एक प्यारा सा कमेंट करना है एंड साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है। जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होगा 100 लाइक्स का इस वीडियो में टारगेट रखते हैं, जैसे ही पूरा होगा उसी दिन मैं आप सभी को एक प्यारा सा होम टूर देने वाला हूं। और चलो, तो चलो आगे चलते हैं। और ये देखो, ये है मक्का का खेती, ये देखो, ये है मक्का, अभी छोटा छोटा है, अभी लगता है ज्यादा दिन नहीं हुआ है। और मेरे साथ ये है, ये लौंडा, ये है मेरा कजन भाई। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और अरे बोतली के तुमको कजन इसको नहीं मालूम बोलता भाई की। अरे रे रे रे, कजन किसको बोलता है? भाई को। तब फिर इतना भी नहीं मालूम तुमको? चलिए ये है कजन, बहुत छिछोड़ा बढ़िया। तो चलो दोस्तों, अपना ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। बेसिकली ये सब खेत हम लोगों का नहीं है, ये दूसरे का खेत है, हम लोग उसका आलू उखाड़ दिए, एक आलू हम लोग बहुत दिन से खेत पे नहीं आए थे, इसी वजह से हम खेत ही भूल गए। अभी मेरा खेत कौन है हमको ही मालूम नहीं। बेसिकली मैं बहुत दिन से नहीं आया था, लगभग मेरे को यहाँ आए लास्ट टाइम जब आया था मेरे को 4-5 साल हो गए, उसके बाद मैं नहीं आया अपना खेत देखने। तो इसी वजह से खेत का ही मालूम नहीं चल रहा कौन ठो खेत है नहीं है, और दूसरे का ही खेत का आलू उखाड़ दिए, एक तो बर्बाद कर दे तो सड़ जाएगा, क्योंकि अब तो वो टूट चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ठंड बहुत ज्यादा है, कसम से गाइस ठंड है इतना है ना, ये देख रहे हैं आप, ये मफलर, इसको मफलर बोला जाता है गांव में, विलेज में इसे मफलर बोला जाता है। और ये अपना देसी तरीके से बांधा हुआ है अपना सर में मफलर, और ये भी है पहना हुआ है, जो कि ये देसी नहीं है, ये विलेज में बहुत कम पहना जाता है, ज्यादातर विलेज में जैकेट वैकेट पहना जाता है, ये डेनिम जैकेट है। और अभी टाइम हो गया है, लगभग 2 बज चुका है, बट फिर भी अभी इतना ठंड है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड है। सुबह से वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे थे, सुबह से ही सोच रहे थे खेत वेत की तरफ जाएंगे घूमने और आप सभी को एक प्यारा सा व्लॉग देंगे, बट हो ही नहीं रहा था, धूप ही नहीं निकल रहा था। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकला, आप देख लो, अभी एकदम जस्ट किधर गया अभी, हाँ ये देखो, अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकला है, सुबह से कुछ धूप नहीं था, और इस वजह से चलो अभी चलते, अभी 2 बज चुका है। और ये देखो हवा चल रहा है, अब ये देखो कैसे एकदम फहरा रहा है हवा, देखो हवा,
कितना हवा चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी सपोर्ट के बदौलत हम आगे बढ़ पाए और आप सभी को विलेज लाइफ के बारे में और सब कुछ बताने वाला हूँ। और दोस्तों आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कैसा लगा खेत, और ये कुछ ज्यादा शैतानी कर रहा, लगता है इसको घुसा उसा देना पड़ेगा। क्या क्या बोला है? समझ रहे हो, समझ रहे हो? अरे लोड़े पक्कर कहीं का ये तो बहुत बड़का लौंडा है साला, छिंडा बहुत ज्यादा बकर बकर कर रहा, दे दे एक ठो। तो यहीं तक वीडियो रहा गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, जब तक के लिए बाय बाय। कसम से गाइस खेत में आके अलग ही मजा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें पकड़े नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, वो क्या बताए आपको, यहाँ पे आके ही फील हो सकता है। जो गाइस तौफीक भाई के घर, जो जो शहर में रहता है उसको क्या मालूम खेत के बारे में कि यहाँ पे आखिर इन्वायरमेंट आखिर रहता कैसा है। तो अगर आप सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़े तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।